इटली में भूकंप के 3 दिन बाद राहत और बचाव दल का कहना है कि ज्यादातर फंसे लोगों को निकाल लिया गया है और मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका कम ही है। लगातार काम कर रहे रेस्क्यू दल के लोगों में भी थकान दिखने लगी है। इटली में भूकंप के बाद करीब 15 घंटों तक मलबे में दबी रही 11 साल की गुलिया को ढूंढने वाला खोजी कुत्ता सरोटी हीरो बन गया है। सरोटी के हैंडलर ने बताया कि मलबे में लोगों को खोजा जा रहा था, तब कुत्ते ने लड़की के होने का इशारा किया और मलबा हटाने पर गुलिया मिली। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लीक करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो जो खुद रैलियों में बोलते हैं उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं। असांज ने अभी हाल ही में फिलेर से जुड़े कई दस्तावेज जारी किए थे। 29 अगस्त को अमेरिका के हवाई में मॉकअप मार्स हैबिटेट में रह रहे 6 लोग बाहर आएंगे। ये स्टडी मंगल पर जीवन और वहां रहने के लिए प्रयास को देखकर किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को नासा फंड कर रहा है। अमेरिका मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी में है। अमेरिका में मिसिसिपी के घर में 2 नन की हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में पुलिस इसे लूटपाट के लिए की गई हत्या मान रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बॉर्डर इलाके से दूर खदेड़ने के लिए टर्की का आईएसआईएस और कुर्दिश लड़ाकों पर हमला जारी है। टर्की का कहना है कि सीरिया बॉर्डर पर वो आईएसआईएस और कुर्दिश लड़ाकों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका समर्थित कुर्दिश लड़ाके चेतावनी के बाद भी टर्की की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन की जमीन से जमीन पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल विला का सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर बताई जा रही है, हालांकि इसकी तकनीकी जानकारी नहीं दी गई। दक्षिणी फिलीपींस में सेना ने अबू सयाफ गुट के 11 आतंकियों को मार गिराया। अबू सयाफ एक आतंकी गुट है जो पिछले 4 दशक से एक अलग देश की मांग कर रहा है। जिम्बाब्वे में सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। देश में आर्थिक संकट और बेरोजगारी को लेकर मुगाबे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। 1980 में आजादी के बाद से ही मुगाबे सत्ता में है। इस्लामाबाद में सार्क देशों के वित्त मंत्रियों की 8वीं बैठक शुरू हुई, जिसके उद्घाटन समारोह में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से ऊर्जा के क्षेत्र में साथ मिलकर चलने की कोशिश करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस सम्मेलन 2 दिन चलेगा, जिसमें 8 देशों के 100 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।